हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जाबिर अंसारी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी हुआ है गोरखपुर में, जिसमें आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी मिल जाएगी। गाइस, आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप दोस्तों इस फॉर्म से संबंधित डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया, देखिए, देख सकते हैं दोस्तों। ये है RRC, इसमें आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा इस फॉर्म से संबंधित। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसीड पर चलते हैं। तो ये है ऑफिशियल पेज, ये जो पेज का लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और जो वीडियो है उस वीडियो का भी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। तो इस फॉर्म के लिए यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। जो नोटिफिकेशन है वो और फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसीड है सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो गाइस, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ये सब कुछ मैंने रीड कर चुका है। अप्लाई करने का सीधे मैं चलता हूँ प्रोसीड पे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको गाइस यहाँ एक चेकबॉक्स देखिए, यहाँ पर एक टिक मार्क करना है इस चेकबॉक्स पर। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा ओपन। तो देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें और आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो वो यहाँ से प्रिंट करेंगे लॉगिन होके, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें पर आपको करना है क्लिक। दोस्तों, जैसे ही आप करेंगे क्लिक तो ये पेज हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स कुछ देने हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ डिटेल्स देनी है। तो चलिए गाइस, पहले हम इसको करते हैं फिलअप, उसके बाद आपको हम एक एक स्टेप बताते हैं कि आपको कहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, यहाँ पे जो फॉर्म है इसको मैंने पूरा फिलअप कर लिया है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो लिखना पड़ेगा अपना नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दोस्तों, आपका जो नाम रहेगा, आपके हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल उसके मुताबिक, जो भी नाम आपका वहाँ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा गया है वही नाम आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है। आपके अपने पिता का भी जो नाम है वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से इसमें रहेगा, जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा वही नाम यहाँ में लिखना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो भी अपडेट की जाएगी तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। तो आप यहाँ पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप कुछ ऐसा है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपका फॉर्म है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ मेल के लिए फ़िलअप कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या आप भूतपूर्व सैनिक अथवा सशस्त्र बल कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं, ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लीजिए। और जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिकल, जो EWS कैटेगरी में आएंगे वो यहाँ पे यस करेंगे, और जो नहीं आएंगे वो नो इसको कर लेंगे। उसके बाद आप अगर विकलांग रहेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, किस प्रकार के विकलांग रहेंगे ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ इस ऑप्शन पे लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो नो कर देंगे। तो ये सब जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है ये सब ऑप्शन आपका हिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आप किस कैटेगरी के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जनरल, OBC, SC, ST, जिसके लिए भी आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपके पास आधार नंबर है तो आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो अपना पहचान देना है, देख सकते हैं व्यक्तिगत पहचान चिन्ह। ये दोस्तों पहचान चिन्ह आपको इसलिए मांगा जा रहा है कि आपके पूरे बॉडी में ऐसा कोई पहचान हो जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके कि जी आप बिल्कुल वही हैं। तो ये पहचान आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं चोट लगा है या कहीं ब्लैक तिल है या कुछ भी है तो आप इसको आप अपने यहाँ बॉक्स में लिखना है, दो आपको ये पहचान चिन्ह देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, पत्राचार का एड्रेस जो है यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैंने अभी नहीं सबमिट किया है तो ये भी चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है, और नीचे आपको यहाँ पे सबसे पहले हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का यहाँ पे डिटेल्स देना है। तो आपने हाई स्कूल जो किया है वो किस माध्यम से किया है, बोर्ड से किया है या संस्था से या इंस्टीट्यूट से, तो वो आपको यहाँ इस ऑप्शन में लिखना है। उसके बाद आपका हाई स्कूल का कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, मैंने यहाँ टोटल मार्क लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ इस ऑप्शन में ITI का पूरा डिटेल्स देना है, आपका ITI जो किए हैं NCVT या SCVT से किए हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका टोटल कितना परसेंटेज है वो यहाँ इस ऑप्शन में लिखना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको
सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए अप्रेंटिस करना चाहते हैं। फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, यहाँ पे जो भी है ट्रेड है, तो आप जिस ट्रेड के लिए करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस ये फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 4 प्रेफरेंस है, और अगर दूसरे के लिए देखा जाए तो यहाँ पे कितना प्रेफरेंस है, 8 है इसमें फिटर में। तो ऐसे ही दोस्तों, हर पोस्ट के लिए जो ट्रेड है, हर ट्रेड के लिए मतलब ज़्यादा कम प्रेफरेंस है, तो इसको आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन ये नहीं है कि आप बिल्कुल सीरियल बाय ही करेंगे या इसको करेंगे इसको नहीं, आप अपने हिसाब से करेंगे, जो आपको बेटर लगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने तरीके से इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको ऊपर इसको नीचे ऐसे करके। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो आपका रहेगा JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम रहेगा चलेगा। यहाँ आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और उसके बाद फ़ोटो जो आपका रहेगा उसको सेलेक्ट करके आपका फ़ोटो जो है वो अपडेट करा दी जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों, आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ जो मैंने सिग्नेचर अपलोड किया है ये गलत है, तो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं है। आपको जो भी सिग्नेचर अपलोड करना है बिल्कुल सीधा सीधा करना है, तो ये मैंने गलत किया है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिर से। ओके, तो देख सकते हैं ये है सिग्नेचर, ये सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए सिग्नेचर, आपका टेढ़ा वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका जो होना चाहिए सिग्नेचर, ये आपका होना चाहिए JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना कैप्चर कोड लिखना है, ये कैप्चर कोड शो होगा इस ऑप्शन में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपको दोस्तों इस पर करना है क्लिक। तो चलिए गाइस कर लेते हैं क्लिक। ओके गाइस, तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है सबमिट। ये देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है सबमिट, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो कराई जा रही है, और आपका DOB फी जो आपको पेमेंट करना है, 100 रुपीज़ फी पेमेंट करना है, ये है आपका अभी पेंडिंग स्टेटस जो दिखा रहा है, फी पेमेंट का पेंडिंग है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो फी पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी फिलअप किए हैं वो प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट करेंगे, और अगर आप फी पेमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ से फी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन कही जा रही है कि फी जो आपका फी का स्टेटस है विल बी अपडेट विद इन 5 वर्किंग डेज, ठीक है। आपका जो फी अपडेट होगा दोस्तों वो आपके वर्किंग, यानी कि आपका ये फॉर्म सबमिट होने के 5 दिन बाद आपका फ़ी जो है वो अपडेट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं प्रिंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद दोस्तों अब आपको करना है क्या, यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओके ओके जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आ जाएंगे फी पेमेंट करने के प्रोसीड पे। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे करना है येस, और उसके बाद प्रोसीड पे कर लेना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो फी पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो किस माध्यम के लिए आप जो है फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स, उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट्स है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो कौन सा रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म का जो फ़ी है वो आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं RRC NER यानी कि रेलवे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, आपको इस पे कर लेना है सेलेक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे करना है क्लिक। ओके दोस्तों, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा कि आप किसके लिए फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, रेलवे, रिक्रूटमेंट, सेल, NER, CCM, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, देख सकते हैं गोरखपुर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो फ़ी पेमेंट करने का मेथड है, यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सर्च करेगा और यहाँ पे नीचे आना है, इस ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फादर नेम लिखना है, और फ़ी का अमाउंट लिखना है कि फ़ी आपको कितना पेमेंट करना है। और यहाँ पे आप दोस्तों रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम लिखना है, और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से लिखना है, मेल आईडी, और यहाँ पे कैप्च कोड ये शो हो रहा है, ये सब कुछ डिटेल से लिखना है। तो चलिए पहले दोस्तों लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको क्या आगे करना पड़ेगा। ओके सो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल्स लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पर करना है क्लिक। दोस्तों यहाँ पर जो आपने सब कुछ लिखा है उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम कुछ भी गलत लिखेंगे तो फिर बाद में आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से सब कुछ देख लीजिएगा क्या क्या लिखे हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए कि किस ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है, सब कुछ अपना लिखिएगा। उसके बाद पूरा डिटेल्स लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पर करना है क्लिक।
ओके, जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस की तरह पेज आपके सामने दिखाएगा। तो इस पे दोस्तों करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे करना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो फी पेमेंट करना है, यहाँ पे आपको फी पेमेंट करने का कई प्रकार का मेथड दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो आपको ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग के द्वारा, तो अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा फ़ी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 11.08 रुपीस आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा यानी कि 111.08 रुपीस आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट बैंक के नेट बैंकिंग से करेंगे तब, अदर से करेंगे तो आपको 17.07 रुपये जो है वो फ़ी पेमेंट का चार्ज है, ठीक है। अगर आप कार्ड के द्वारा फ़ी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें चार्ज कुछ भी नहीं देना है। चाहे आप अदर डेबिट कार्ड से फ़ी पेमेंट करेंगे, आपको यहाँ पे चार्ज नहीं देना है। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 12.98 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन नीचे बिल्कुल है, यहाँ पे अदर पेमेंट मेथड, यहाँ पे तो इसके लिए देख सकते हैं 69 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा और यहाँ पे 15 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो जो भी आपको बेटर लगे दोस्तों बिल्कुल आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर जो भी कैंडिडेट नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके करेंगे, और डेबिट कार्ड के द्वारा करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों डेबिट कार्ड के द्वारा हम आपको दिखाते हैं कैसे आप फी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे इस पर क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। ओके, सो फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए 100 रुपीस आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको अपने कार्ड का, देखिए बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कार्ड का सैम्बल, आपको यहाँ पे अपना कार्ड का जितना भी अंक है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक्सपायरी लिखना है, जो कार्ड का एक्सपायरी है वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे किन के नाम से कार्ड है वो लिखना है, और CCV कोड देखिए यहाँ इन्होंने मेंशन किया है CCV कोड, आपके कार्ड के पीछे बिल्कुल 3 अंक का CCV कोड रहता है, वही कोड आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद ये कैप्चा कोड शो हो रहा है इस बॉक्स में लिखना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो फ़ी है वो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म उसको प्रिंट कर लेना है, आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, प्रोसीड मैंने पूरा आपको बता दिया कि कैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। जो भी कैंडिडेट SC और ST के लिए फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिएगा कि कैसे SC ST के कैंडिडेट फॉर्म को सबमिट करेंगे। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट SC ST के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त गाइस, बाय बाय।